और ये संडे का ब्लॉग है, संडे मॉर्निंग का ब्लॉग है और मैं फिश करी रेसिपी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए नहीं लग रहा है ना, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करी हूँ, मसाला को फिश को मैरिनेट करके रख दी थी आधे घंटे के लिए। इसमें इस मसाले में गया है आपका जो सरसों होता है, काली सरसों, जीरा गोल की एक चम्मच मैं सब ले ली हूँ, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर और लहसुन अदरक, इन सबको मैं पेस्ट बना ली हूँ। थोड़ा सा नमक भी मैं उसमें डाली थी मसाले में, और उसी से मैं फ़िश को मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ दी थी, और उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दी थी। ठीक है, जो फिश को जो कटा हुआ भाग है ना उसमें मसाले अंदर मतलब की करके अच्छे से इसको मैरिनेट कर दी थी। उसके बाद पैन में मैं इसको डीप फ्राई नहीं, नॉर्मल फ्राई कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फिश हमारा फ्राई हो गया है, और अब मैं उस फ्राई हो गया है तो इसका ग्रेवी बनाऊंगी। तो ग्रेवी में मैं ले रही हूँ तड़का के लिए थोड़ा सा मेथी, जीरा, सूखी लाल मिर्च और तेज़पत्ता। और यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गया है तो मैं जो तड़का ली हूँ वो इसमें ऐड कर दूंगी। और आप चाहें तो एक साथ टमाटर प्याज सारे को पेस्ट बना सकते हैं, अदरक लहसुन जो भी मसाले हैं रूटीन का, प्लस सरसों या राई जो भी है, और अदरक लहसुन जो भी, इसको पेस्ट बनाकर आप इकट्ठा कर सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा ही था तो मैं पेस्ट नहीं बनाई, इसको मैं बारीक कट कर ली हूँ। लगभग हाफ प्याज ली हूँ यहाँ पे, ज़्यादा नहीं हाफ ही लिए हैं, क्योंकि रोहू फिश है तो वो उसमें प्याज कम जाएगा। तो बस तड़का भुन गया था मेरा प्याज, और जो भी तेज़पत्ता इसमें डाली हूँ जीरा मेथी का, तो प्याज भी गोल्डन ब्राउन यहाँ पे हो गया है। तो मैं इसमें हाफ ही टमाटो ली हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी का टमाटो थोड़ा खट्टा होता है। उसके बाद सॉल्ट इसमें थोड़ा ऐड कर दूंगी, इससे टमाटो जल्दी से पक जाएगा और भुन भी जाएगा। तो इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। ठीक है, तो इस मसाले में मैं कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर यूज़ करी हूँ, तो इससे कलर भी अच्छा आता है, और नॉर्मल चिल्ली भी यूज़ करी हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो बस इसको भून लेते हैं अच्छे से। तेल अभी ज़्यादा दिख रहा है, बट जो मसाला पेस्ट डालने पे मसाले का तेल उतना नहीं दिखता है। और ये जो है अभी जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं बना कर रखती हूँ ना, तो इसमें बस थोड़ा सा 6 से 7 कली दो जो होल होते हैं लहसुन का पूरा, वो उसको मैं पेस्ट कर ली हूँ। और अदरक लगभग 1 से 2 इंच, ज़्यादा नहीं, और उसका ये पेस्ट है। और इस मसाले में भी मैं कुछ कलियाँ, जैसे 7 से 8 कलियाँ मैं लहसुन का ऐड करी थी। और ये जो अभी डाली हूँ उसमें 2 लहसुन है पूरा साबुत, और 2 इंच लगभग अदरक का टुकड़ा। ठीक है, उसको पेस्ट करके टमाटर प्याज भून गया था, तो उसके बाद मैं इसका रॉ स्मेल ख़त्म होने तक इसको मैं अदरक लहसुन को भून लूँगी, और बस ये फ्राई हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें मसाले को ऐड कर देंगे जो भी मसाला है। तो बस यहाँ पे भुन गया है तो मैं मसाला ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे से भुनना है जब तक कि ऑयल छोड़ नहीं देता है, ऑयल रिलीज़ नहीं करता है। ठीक है, और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है कुछ सेकंड रुक कर, नहीं तो ये चिपकने लगता है ना बॉटम में, कढ़ाई के बॉटम में चिपकने लगता है। तो बस इसको भून लेते हैं।
और यहाँ पे सारे मसाले जो हैं अच्छे से भुन गए हैं, क्योंकि तेल जो है साइड में दिख रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा लगभग आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। और जो मसाला का जो था बर्तन था उसी को मैं उसी में मैं गर्म पानी रखी थी, तो उसी को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको थोड़ा सा भून लूंगी पानी डालने के बाद, और जो मसाले का पानी है वो भी मैं ऐड कर दूंगी। और इसको मैं भूनती हूँ लगभग 5 मिनट तक इसी तरीके से। थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको अच्छे से मसाले को ग्रेवी को पका लूँगी, और इससे अच्छा ग्रेवी बन जाएगा। तो बस इसको भी अच्छे पानी डालने के बाद देखिए अब बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और इसके बाद मैं इसमें गर्म पानी जितना मेरे को ग्रेवी चाहिए उतना मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस इसमें इसको फिर मैं ढक दूँगी, और इसमें जब बॉयल आ जाएगा जो फ़िश मैं फ्राई करी थी उसको ऐड कर देंगे, और बस यहाँ पे फ़िश करी रेडी हो जाएगा। उसको फिर आधे घंटे तक यूं ही बनने के बाद छोड़ देंगे, तो उसमें किससे क्या होगा जो फिश में ग्रेवी का जो मसाला है या इसका फ्लेवर है अच्छे से ऐड हो जाएगा। और इसमें थोड़ा पानी और जाएगा, अभी थोड़ा गाढ़ा है क्योंकि ये बॉयल होगा तो इसका पानी और सूखेगा तो ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें मैं लगभग आधा गिलास पानी और ऐड करूँगी, है ना। तो बस पानी ऐड कर दी हूँ। और फिश ऐड करने के बाद पैन में तवा में जो भी इसका मसाला या जो भी था थोड़ा सा उसमें ग्रेवी ऐड करके उसको मैं इसमें डाल दूंगी। तो बस और मैं गर्म पानी ऐड करी थी तो बॉयल इसमें आ गया है। देखिए जितना मेरे को ग्रेवी चाहिए उतना भी हो गया है, और थोड़ा सा और इसको पकाऊंगी 2 से 3 मिनट क्योंकि ग्रेवी अभी अच्छे से पका नहीं है। और इसके ऊपर मैं धनिया पत्ती पहले ही ऐड कर दी हूँ जिससे उसका फ्लेवर भी उसमें अच्छे से ऐड हो जाएगा। और बस अब इसको हम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे फिश करी रेडी है। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा है इस रेसिपी में या कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो को अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया टेस्टिंग रेसिपी के साथ, कुछ नए ब्लॉगिंग ब्लॉग के साथ। तो बस हम लोग इसके बाद लंच कर लेते हैं, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।